Hi friends, I'm Dr. Prabhat and today we are going to discuss apes, means birds. So ye nayi class hum chalu karenge. Aaiye, we'll start this now. Apes, ye diagram jo humne laga rakhe hain, they are from NCERT, so important for us. We'll see further also that neophron kya hota hai, common name hum dekhenge, struthio, common name sabka hum dekhne wale hain, pareshan mat hona, cetacula. एंड देन पैवो है ना, ठीक है. कॉमन नेम यदि आप जानना चाहें, न्यूफ्रॉन इज वल्चर, ऑस्ट्रिच इज स्टूथियो, दिस इज पैरोट विच इज सिटेकुला एंड पैवो इज पीकॉक, है ना. देखेंगे हम लोग ये आगे. लेट्स स्टार्ट इन डिटेल दिस फाइलम. सो द फर्स्ट थिंग इज ऑर्निथोलॉजी. वट इज ऑर्निथोलॉजी? स्टडी ऑफ बर्ड्स. स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, ठीक है. देन वी हैव डॉक्टर सलीम अली हु इज नोन एज बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया. बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, ये अली साहब ने इतना काम किया था, बर्ड्स पे रिसर्च किया था कि ये नाम उनके लिए दिया गया, ठीक है. दिस इज द अदर नेम बाई फेदर्ड, ये फेदर्ड बाइपेड्स, मतलब bipeds means they have only hind limb. Why hind limb only? Forelimb कहाँ गया? Forelimb has been converted into wing. So सिर्फ दो पाँव से वो चल रहे हैं. So only two limbs are there for walking or for perching or जो भी काम के लिए आप समझें. आगे हम इसको discuss भी करेंगे. So only two limbs are present, ठीक है. फेदर्ड क्या है, आपने देखा होगा पूरे शरीर पे छोटे छोटे फेदर होते हैं. सो दैट इज फेदर्ड बाइपेड. स्ट्रक्चर ऑफ फेदर एंड ऑरिजिन अरेंजमेंट ये सब हमें नहीं पढ़ना. वॉर्म ब्लडेड, बार बार डिस्कस किया, रेप्टाइल्स के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जब भी वॉर्म ब्लडेड की बात आई, इसका मतलब क्या है कि द एनिमल हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट. एंड वाई फोर चैम्बर्ड हार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर वार्म ब्लडेड थिंग? बिकॉज बॉडी के टेम्परेचर को एक जगह कॉन्स्टेंट रखने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन आप तभी पहुँचा पाएंगे सेल्स के पास जब आपके पास सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करने के तरीके हों. क्योंकि जैसे थ्री चैम्बर हार्ट की आप बात करेंगे, पार्शली थ्री चैम्बर की बात करेंगे, उसमें क्या होगा, ब्लड मिक्स हो जाएगा और आप प्योर ब्लड यानी सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. सो वार्म ब्लडेड का मतलब है कि दे विल हैव फोर चैम्बर हार्ट, हम देखेंगे सर्कुलेशन में, ठीक है. बॉडी पार्ट यदि आप देखें तो दे हैव हेड, दे हैव नेक, दे हैव ट्रंक, देख सकते हैं आप किसी भी में, दे हैव हेड, दे हैव नेक, दे हैव ट्रंक. ऑफकोर्स उतना अच्छा टेल इसमें नहीं है, बट यू कैन अप्रिशिएट द टेल इन दिस केस. सो दे हैव टेल ऑल्सो, है ना. सो दिस इज द बॉडी पार्ट, ठीक है. दे हैव ड्राई स्किन. वाई? बिकॉज ग्लैंड्स एब्सेंट एक्सेप्ट वन ग्लैंड विच इज नोन एज प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड. वॉट इज दिस यूरोपीजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड? सुनो, व्हाट इज दिस ग्लैंड? द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द टेल ऑफ द बर्ड्स. दे आर प्रेजेंट इन टेल ऑफ बर्ड ना. एंड व्हाई दिस ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट टेल ऑफ बर्ड इज नोन एज यूरोपीजियल ग्लैंड, हम देखेंगे आगे. बिकॉज द टेल ऑफ बर्ड इज ऑल्सो नोन एज यूरोपीजियम. सो टेल ऑफ बर्ड इज ऑल्सो नोन एज यूरोपीजियम. सो इट इज नोन एज यूरोपीजियल ग्लैंड, ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. सो अभी तक हमने जो पढ़ा, यू कैन सी ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, बाइफेदर बाइपेड और ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, है ना. रेप्टाइल्स से ही ये लोग आए हैं, तो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. देन होमोथर्मिक, हेड नेक टेल, प्रेजेंस ऑफ फीदर ऑल ओवर द बॉडी इज देयर, ठीक है. देन वी हैव फेदर आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल स्केल्स, दे आर ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियम ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द यूरोपीजियम, है ना. टेल एंड फंक्शन, जहाँ भी ग्लैंड होगा फंक्शन विल लुब्रिकेशन. सो सेम थिंग. चलिए आगे चलते हैं. फोर विंग एंड हाइंड विंग.
आई शुड राइट इसको कि भाई आई शुड राइट इसको फोर लिम एंड हाइंड लिम, है ना, फोर लिम एंड हाइंड लिम। फोर लिम के बारे में हमने पहले ही बोला था, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स, सो इसमें फोर लिम नहीं होता, विंग में मॉडिफाई हो गया। हाइंड लिम की जब बात करें, जब हम हाइंड लिम की बात करेंगे, यस इट इज़ प्रेजेंट देयर एंड इट हैव स्केल्स ऑल्सो, इट हैव स्केल्स ऑल्सो एंड दिस इज द पार्ट थ्रू विच दे कैन रन, दे कैन वॉक, दे कैन पर्च ऑन दिस ट्री एटसेट्रा। ठीक है जी, ये नाउ वी आर कमिंग टू जी आई टी, स्टोरी ऑफ जी आई टी। सो दे हैव क्रॉप एंड गिजर्ड। नाउ वॉट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप? क्रॉप इज लाइक स्टोरेज हाउस, खाना खा के जल्दी जल्दी खा के उसमें रख लिया। गिजर्ड इज फॉर ग्राइंडिंग, है ना, खाने को उसमें पीसने के लिए। एंड बिक इज वॉट? पिट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, इट्स अ मॉडिफिकेशन, है ना। सो वी कैन सी दिस इन द डायग्राम ऑल्सो, सी दिस इज द क्रॉप, दिस इज द क्रॉप, आई कैन टेक द अदर कलर, दिस इज द क्रॉप, दिस इज द गिजर्ड, यू कैन सी। ठीक है, क्रॉप एंड गिजर्ड हम इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। इसोफेगस इज मॉडिफाइड इन टू क्रॉप फॉर क्विक फूड इंजेशन एंड गिजर्ड फॉर क्रसिंग। ठीक है जी, ये सो जॉ इज मॉडिफाइड इन टू बिग विच इज टूथलेस। यही हमने बात किया था अभी, डैट जब हम बात करते हैं, इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ जॉ एंड टीथ इज एबसेंट। वाई टीथ इज एबसेंट? इट इज नथिंग बट फ्लाइट मॉडिफिकेशन, फ्लाइट मॉडिफिकेशन, है ना। टीथ नहीं होगा तो वजन थोड़ा कम होगा बॉडी का, तो आसान होगा उड़ने में, सो इट्स अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन। नाउ यहाँ पे एक चीज आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट इज पिजन मिल्क? व्हाट इज पिजन मिल्क? हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी सुन लीजिए। खाना खाया जल्दी से बर्ड्स ने और उसको ग्राइंड गीजर में लेके ग्राइंड कर दिया, एकदम पतला हो गया। नाउ रीगजिटेट करके उसे वापस मुंह से बाहर लाके छोटे बच्चे को फीड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज पिजन मिल्क। सो ध्यान रखना, पिजन मिल्क इज नॉट कमिंग फ्रॉम द, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, एज दे डोंट हैव मेमोरी ग्लैंड और एनी अदर ग्लैंड, इट्स नथिंग बट इट्स अ फूड आफ्टर ग्राइंडिंग, है ना। And it has been regurgitated. It has been regurgitated, and now it has been fed to the small ones. Now, this point you can see that if you see the lung of the, suppose this is the trachea, जहाँ पे bifurcation होना है bronchi के लिए, वहाँ पे तो syrinx होता है. Now, what is syrinx? Syrinx is the voice box. जैसे हमारे में larynx होता है, they have syrinx. So, it is voice box, और ये आपका बाइफर्केट हुआ, यहाँ पे लंग है। नाउ लंग पे स्मॉल स्मॉल एयर सेक बैठे रहते हैं। ये एयर सेक का क्या काम है? सुनो, अब ये डिटेल में हमें नहीं जानना, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ओलंपियाड वगैरह में आता है। जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो देखो हमने सांस लिया और हमने सांस छोड़ा, ये दोनों ही हवा सेम रूट से आई गई, ट्रैकिया के आगे जो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग तक जो भी रास्ता था वो सेम था। इट्स कॉमन फॉर बोथ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, सो द एयर इज बिंग मिक्सड। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें इंस्पायर्ड एयर का फ्लो अलग है और एक्सपायर्ड एयर का फ्लो अलग है। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस एयर सैक। डिटेल फर्दर क्लास में, हायर क्लासेज में देखना है। आप तो सिर्फ इतना समझो कि बिकॉज ऑफ एयर सैक देयर एफिशियंसी ऑफ ब्रीदिंग इज मोर। बिकॉज ऑफ एयर सैक दे हैव बोयंसी, हेंस इट्स अगेन ए फ्लाइट मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं। सो दिस इज, यू कैन सी दिस इज द सिरिंग्स एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, इट इज नथिंग बट वॉइस बॉक्स एंड द नेम ऑफ द ईयर सैक इज देयर एज पर द लोकेशन इंटर क्लैविकुलर बिटवीन क्लैविकल। देन यू कैन सी दिस इज द एंटीरियर पोस्टीरियर थोरेसिक ईयर सैक, दिस इज द एबडोमिनल ईयर सैक। सो एज पर द लोकेशन द नेम ऑफ द ईयर सैक फंक्शन यू हैव सीन दैट इट इंक्रीजेज एफिशियंसी ऑफ ब्रीदिंग एंड दूसरा फंक्शन आपने देखा था दैट इट इज अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन। वाई फ्लाइट मॉडिफिकेशन? बिकॉज इट लीड्स टू डिक्रीज इन वेट ऑफ द बर्ड्स एंड
Hence, it makes the flight easier. ठीक है जी, ये चलिए आगे चलते हैं हम लोग. सो देख लो, इसमें हमने सारी बातें कर ली है. हैंड विंग, ठीक है. बेस्ट एडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग ऑफ ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वॉकिंग, स्विमिंग. डाइजेस्टिव टाइप क्रॉप एंड गिजर्ड. पिजन मिल्क और क्रॉप मिल्क की बात हुई थी. क्लोइका इज प्रेजेंट. व्हाट इज क्लोइका? इट्स द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव एंड और आई शुड राइट एक्सक्रीटरी एंड जेनाइटल ट्रैक. एयर सैक इज ऑल्सो फाउंड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर सैक? एक तो सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन. हाउ? इट प्रोवाइड्स वन वे, ठीक है. देन सीरिंग्स, साउंड बॉक्स, ठीक है. हार्ट वाली बात हम देखेंगे नेक्स्ट पे, जब हम सर्कुलेशन पे आएंगे. ऑफकोर्स हमने बोला था दे हैव फोर चैम्बर हार्ट, है ना. दे हैव राइट एओर्टिका. व्हाट इज राइट एओर्टिका? यदि हम अपने आँख की बात करें, वी हैव लेफ्ट एओर्टिका, है ना. यहाँ से हार्ट से निकलने के बाद आर्क इधर टर्न लेता है लेफ्ट की साइड, इनमें राइट की साइड टर्न लेता है. और रेप्टाइल्स में क्या था? रेप्टाइल्स में बोथ राइट एंड लेफ्ट आर्क वॉज प्रेजेंट. सो रेप्टाइल्स बोथ राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक आर्क प्रेजेंट, एओर्टिक आर्क प्रेजेंट. मैमल्स ओनली लेफ्ट एओर्टिक आर्क. एंड बर्ड्स, यू आर सेइंग मी दैट ओनली द राइट एओर्टिक आर्क, ठीक है. एंड दे आर होमोथर्मिक, वार्म ब्लडेड. व्हाई इट इज इसेंशियल? बिकॉज दे हैव टू गो टू द हायर एल्टीट्यूड. सो इवन एट हायर एल्टीट्यूड यू विल फाइंड दैट दे आर सर्वाइविंग. हाउ? व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस वार्म ब्लडेड नेचर, ठीक है. चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल में. यदि हम सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है. अच्छा, दे हैव पोर्टल सिस्टम ऑल्सो. हमने बोला था रीनल पोर्टल सिस्टम विल बी रिड्यूस्ड इन रेप्टाइल्स, ये हमने पीछे ही किया था, ठीक है. और आर फॉर आर बोला था ना, रीनल पोर्टल सिस्टम विल बी रिड्यूस्ड इन रेप्टाइल्स. और फिश और एम्फीबियन में तो ये पोर्टल सिस्टम होगा, लेकिन इसके बाद यानी एप्स एंड मैमल्स में रिड्यूस. तो रीनल पोर्टल सिस्टम विल बी एब्सेंट, बट हेपेटिक एंड हाइपोफिशियल पिट्यूटरी सिस्टम विल बी प्रेजेंट लाइक ह्यूमन. साइनस वेनोसम इज ऑल्सो एब्सेंट. इन रेप्टाइल्स वी हैव सीन दैट साइनस वेनोसम हैज रिड्यूस्ड, है ना, उसके पहले था. देन राइट एओर्टिका की बात की. आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड. आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट ओनली इन केस ऑफ मैमल्स. बाकी सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. बाकी हमने अभी बात की नहीं है, विल कम टू दिस पॉइंट ऑल्सो. लेट्स सी द स्केलेटल पार्ट. वी आर ऑन द स्केलेटल पार्ट. सो न्यूमेटिक बोन मीन्स इनसाइड द बोन यू हैव द एयर. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? दिस इज अगेन अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन. एंड हाउ इट्स हेल्पिंग दिस फ्लाइट मॉडिफिकेशन? How it's helping this flight modification? It reducing the weight. It reduces the weight and hence the flight become easier for the birds. Monocondylic. Many times we have discussed now. MAD mnemonic. D is dicondylic. M for mammals. A for amphibians. So mammals and amphibians are dicondylic. Rest or are monocondylic. What is dicondylic thing? That we have seen in diagram also in fishes, while doing the fishes, that in the occipits we have two condyle. Two condyle means two projection hai, and through that projection the skull is being articulated with the vertebral column, aur isi karan se we can rotate the head. So dicondylic, theek hai. Yahan pe we have monocondylic. Ek hi aapka wo hai. What is pygostyle? Dekho, pygostyle samajhne ke liye is diagram pe aao. This is the vertebral column of the बट यू कैन सी दैट थॉरेक्स, लंबर, सैक्रम, दे हैव फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ ह्यूज बोन नोन एज सिंसैक्रम. वॉट इज द यूज ऑफ सिंसैक्रम? इट्स प्रोवाइड द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी वाइल फ्लाइट, है ना. वेन दे आर ऑन द हाई एल्टीट्यूड और दे आर फ्लाइंग, सिंसैक्रम इज हेल्पिंग इन द बैलेंसिंग. सो सिंसैक्रम यू हैव सीन दैट इट इज द फ्यूज थॉरेक्स, लंबर एंड सैक्रम वर्टिब्रे. Now see, after this sacrum, few vertebrae are free. Dekho, few sacrum are free, few coccyx are free, and again the all coccyx are fused together to form pygostyle. इसी pygostyle के ऊपर यदि skin लग जाए, मान लो this is the skin, this is skin now. Now skin लगने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है यूरोपीजियम. What is यूरोपीजियम? याद आ रहा है यूरोपीजियल gland? It's nothing but the tail of the bird. So this is the tail of the bird. ठीक है, pygostyle. So pygostyle is what? We have seen tail and it's a fused coccyx
फ्यूज्ड कॉक्सियल बोन, कॉक्सियल बोन, ठीक है जी। व्हाट इज कील? नाउ इफ यू सी द स्टर्नम, सी दिस इज द स्टर्नम, यू कैन सी दैट दिस इन स्टर्नम यू हैव ए दिस बड़ा सा प्रोजेक्शन और ऑसिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इट प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया सो दैट द फ्लाइट मसल कैन कम एंड कैन अटैच हियर। सो व्हाट इज कील? कील इज नथिंग बट इट्स द पार्ट ऑफ, कील इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ ऑसिफाइड पार्ट ऑफ स्टर्नम। द फंक्शन, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल। सो अगेन इट्स अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन, अगेन इट इज अ फ्लाइट म्यूमेटिक बोन फ्लाइट मॉडिफिकेशन, सिंसेक्रम फ्लाइट मॉडिफिकेशन। वाई? सो दैट बॉडी को बैलेंस में रखा जाए। पाइगोस्टाइल फ्लाइट मॉडिफिकेशन, डायरेक्शन चेंज करने के। नाउ सी द बाइफिड रिप्स। जब आप बाइफिड रिप्स देखेंगे, सी दिस इज द रिप्स, रिप्स देखो दो दो है, एक जाके और ऐसे बाइफर्केट हो जा रहे हैं आगे जाके। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बाइफिड रिप्स? सुनो अगेन, दिस बाइफिड रिप्स आर ऑल्सो बाइफिड रिप्स। व्हाट इज द यूज ऑफ देम? दे आर अगेन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर मसल। विच मसल वी आर टॉकिंग ऑफ? फ्लाइट मसल। सो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट मसल अटैच हो सकते हैं, एंड सो अगेन इट्स अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन, इट्स अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है जी। सो इट्स अगेन अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन। नाउ वी आर कमिंग टू वन मोर थिंग, एंड दैट इज वी हैव सीन द बाइफिड, वी आर कमिंग टू वी वोन। सो वी वोन और क्लेविकल और फरंकल भी इनको कहीं कहीं बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस वी वोन। वी वोन वी कैन चेंज द कलर, सो कैन यू कैन मेक इट लाइक द थिंग विल बिकम मोर क्लियर। चलो वी वोन, पहले तो इट इज़ प्रेजेंट, इट्स अ क्लेविकल, इट्स प्रेजेंट बिटवीन टू थोरेसिक हेमी पार्ट, यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दैट व्हेन द बर्ड्स कम्स डाउन, नीचे आ रहे हैं तो ये देखो फ्लाइट फ्लैप कर रहा है ना विंग को, तो विंग को फ्लैप करेंगे तो ये वी वोन विल एक्ट एज ए स्प्रिंग, स्प्रिंग ये दबाएगा है ना, स्प्रिंग की काम करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, उनको एक स्प्रिंग का तरीके का चीज़ मिल रहा है। और ये नीचे जब डिसेंड, ऊपर जाने के टाइम नहीं, जब बर्ड्स नीचे लैंड करेंगे उस समय ये हेल्प करेगा। सो दिस वी वोन इज एक्टिंग एज ए स्प्रिंग बिटवीन टू हेमी थॉरेक्स, टू हेमी थॉरेक्स है ना, दिस इज द वी वोन। समटाइम दिस वी वोन इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज विश बोन। वाई दे आर नोन एज विश बोन? बिकॉज देर आर मेनी स्टोरीज ऑफ द एंशियंट एरा कि इनिशियली वॉट किंग्स वर डूइंग, दे वर गिविंग दिस वी बोन टू द फ्यू लाइक जो भी रिप्यूटेड पर्सन होते होंगे उनके किंगडम में, एंड देन दे वर आस्क टू ब्रेक द बोन। अब वी बोन को आपने ब्रेक किया और जिसके हाथ में कम या ज़्यादा बोन आया उस हिसाब से होता था कि ज़्यादा वाले का जो उसने विस्क रखा है, जो उसने सोचा वो पूरा होगा, तो उस नाम से ये था। ऑफकोर्स इट्स अ मिथ है ना। सो द वी बोन हमारे काम के लिए, इट्स अ फ्लाइट मॉडिफिकेशन एंड हेल्पिंग और एक्टिंग एज ए स्प्रिंग मेनली ड्यूरिंग द डिसेंड ऑफ द बर्ड्स। सो इट्स एक्टिंग एज अ हेल्पफुल, मेनली हेल्पफुल ड्यूरिंग डिसेंड और ड्यूरिंग लैंडिंग, ड्यूरिंग लैंडिंग, ठीक है जी। ये ठीक, सो दिस वॉज द स्टोरी। You can see, we have seen the pneumatic bone, we have seen the monocondylic thing. Hetrocoelus you can ignore, ye sab nahi aata. Pygostyle we have seen the keel, we have seen the bifid and uncinate process. The bifid, the thing, the process which is coming out, this is uncinate process. Na? Jo, like ki main ribs tha, jo furcation se bahar aa raha na, ye, this is known as bifid. Then interclavicle part, V-shaped bone called furuncle. फर्कुला और विश बोन है ना, मेरी थॉट बोन, ठीक है। चलिए नाउ वी आर कमिंग टू एक्सक्रीशन। दे डोंट हैव द यूरिनरी ब्लैडर। व्हाई? व्हाई यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट? अगेन ए फ्लाइट मॉडिफिकेशन। यदि यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा तो वजन कम होगा। आपने जरूर कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप कभी जा रहे हैं और ऊपर से एक ही बार आके गिर जाता है ठक। सो वो क्या है, वो दे डोंट हैव द एक्सक्रीटरी स्टोर का तरीका, सो दे हैव टू एक्सक्रीट इट, एक्सपेल इट आउट इंस्टेंटली। इसलिए कॉर्पोरेटरी ऑर्गन इज एबसेंट है ना।
बट फर्टिलाइजेशन इंटरनल। बच्चे पूछते हैं सर कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे? द मेल पार्टनर दे इजेक्ट द स्पर्म और दे इजेक्ट द सीमेन इन अ स्ट्रीम लाइक मैनर, इतने तेजी से बाहर निकलता है कि इट इंटर्स इन टू द फीमेल जेनिटेलिया। ठीक है, वॉट इज पेक्टिन? सी वॉट इज पेक्टिन, दिस इज पेक्टिन, दिस इज द आई ऑफ द बर्ड्स एंड दिस इज द पेक्टिन, यू कैन सी। वॉट इज दिस पेक्टिन? इट्स नथिंग बट पेक्टिन इज अ हाईली वैस्कुलर एंड मेलानिन रिच स्ट्रक्चर। सिंस इट इज मेलानिन रिच, इट डिक्रीजेज द इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड हैंस इट इंक्रीजेज द विजुअल एक्यूटी एंड दिस इज द वन रीजन दैट द बर्ड्स हैव टेलीस्कोपिक विजन। टेलीस्कोपिक विजन तो दूर तक देख सकते हैं ना, वाई? बिकॉज ऑफ दिस पैक्टिन। वैस्कुलर थिंग, इट्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई, सो ये ठीक है। सो किडनी इज मेटानेफ्रिक किडनी, पहले से हम देखते आ रहे हैं। यूरिक एसिड मेनली है ना, एसिडिटी ऑर्गन, यूनिब्लैडर एबसेंट, ऑपलिटरी ऑर्गन एबसेंट। ऑफकोर्स उड़ना है तो सेरिबेलम को तो डेवलप रखना ही पड़ेगा। परम वी हैव सीन, परम पाइसेज एंड एम्फीबियंस आर 10 pair, दे हैव 10 pair ऑफ क्रेनियल नर्व एंड रेप्टाइल्स एप्स एंड मैमल्स हैव 12 pair ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन आई, हमने देखा है डिटेल में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन व्हाइल डूइंग द एम्फीबियंस। वी ऑल्सो हैव द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बट दिस इज नोन एज वॉट, दिस इट्स अ वेस्टिजियल प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द आई एंड इट इज नोन एज वॉट, प्लाइका सेमी ल्यूनेरिस। ठीक है, मोनो ऑकुलर विजन मतलब क्या एंड वॉट इज बाई ऑकुलर विजन? वी हैव बाई ऑकुलर विजन, देखो आप एक आँख बंद करो और दूर की चीज़ों को देखो, आपको ऐसे लगेगा आप डेप्थ को यानी यहाँ से वो कितना दूर है डिस्टेंस पे आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो। हमारे दो आँखों से देखने का ये फायदा है कि यू कैन अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ द विजन। डेप्थ मतलब वो कोई चीज़ आपसे कितना दूर रखा हुआ है ना। मोनो ऑकुलर में आप दूरी नहीं बता पाएंगे है ना। सो दिस इज द मोनो ऑकुलर विजन एंड जनरली मोनो ऑकुलर विजन उनका होता है जिनका जो आई है ना वो बॉडी के दो डिफरेंट पार्ट में होता है। सपोज इस साइड है एक इस साइड है, सेम प्लेन में है यदि तो जनरली दे हैव बाई ऑकुलर विजन लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन। पेक्टिन वी हैव सीन, टेलीस्कोपिक विजन और एक्यूट विजन। पिन्ना इज एबसेंट, दे डोंट हैव पिन्ना दिस पार्ट एंड कोलुमेनेला इज इन फैक्ट द स्टेप इज दिस इज प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। सो इन मिडिल ईयर दे हैव ओनली वन ऑसिकल एंड दैट इज कॉलुमिनेला। वी हैव 3 ऑसिकल्स, दे हैव ओनली वन। यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिजम प्रेजेंट। यू कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल पार्टनर बाई लुकिंग एट दैम जस्ट बाई मॉर्फोलॉजी। लाइक आपको पता है यदि मेल पार्टनर ऑफ आप देखेंगे कॉक को देखेंगे मेल पार्टनर तो दे हैव कॉम ऑन हेड, फीमेल वाले में हैन में ये नहीं होता। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे? वी हैव सीन दैट इवन दो द कॉपुलेटरी ऑर्गन इज एबसेंट द फीमेल इज द मेल इज इजेक्टिंग द सीमेन इन सच अ हाई स्पीड दैट इट्स इंटरिंग इन साइड द फीमेल बॉडी। ठीक है जी, ये सो द सेम स्टोरी कॉलुमिनेला की बात की हमने। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन लेस डेवलप, मोनोडेल्फिक, मोनोडेल्फिक मीन्स ओनली वन एंड दैट ऑल्सो लेफ्ट ओबरी एंड ओविडक्ट इज देयर। वाई? अगेन टू रिड्यूस द बॉडी वेट and so it's again a flight modification, it's a flight modification। ठीक है, internal fertilization, parental care present, these are the examples and important for you because given in NCERT। see crow, pigeon, columba, sitakula parrot, ostrich, pavo, appendotites, penguin and vulture neophron। and now I hope you can remember this is vulture, this is ostrich, this is parrot and this is peacock। Now we are going to classification, again I am saying in classification generally question nahi aata, it's important only for those students who are looking for some extra edge। So यदि normal बच्चे हैं और आपने physics chemistry उतना strong नहीं है, आप bio को उतना time नहीं लगा सकते तो आप video को यहाँ pause करके आप next class पे जा सकते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए now this further lecture is there। And what is this further lecture? We have 2 subclass, RQO means old bird and new miss, this is the new birds है ना। आर क्यू के अंदर वी हैव आर्क्योप्टेरिक्स एंड इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड ऑलरेडी वी हैव टू डू इन इवोल्यूशन इन डिटेल दैट वाई दे आर नोन एज दिस कनेक्टिंग लिंक। हम देखेंगे दे हैव सम रेप्टाइल्स कैरेक्टर एंड दे हैव सम
बर्ड्स का करेक्टर। अभी के लिए तो आप इतना समझो कि दे आर कनेक्टिंग लिंक, है ना, इतना भी काफ़ी है। देखो नॉन न्यूमेटिक बोन इट्स अ करेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स, जबकि टीथ वेयर प्रेजेंट करेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स। दे हैव द यूरोपीजियल लाइक टीथ। देखो विंग्स आर प्रेजेंट ऑफकोर्स इन विल इल डेवलप मैनर, बट आर प्रेजेंट अ बर्ड्स कैरेक्टर। ठीक है, सो फ्यू थिंग्स आर ऑफ बर्ड्स टाइप, फ्यू आर ऑफ रेप्टाइल्स टाइप। अब ये आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, इवोल्यूशन में हम देखेंगे। अब हम नए वाले बर्ड्स पे आ रहे हैं, न्यू ऑर्निथ पे। इसमें देखो फर्स्ट इज इम्पिना। ये लोग कौन है? ऑल एक्वेटिक एंड मरीन बर्ड्स। इसमें फ्लिपर्स होते हैं जिसके थ्रू दे कैन गो इनटू द वाटर एंड दे कैन स्विम। ठीक है, इनको जब फ्लाइट नहीं करना तो सारे फ्लाइट मॉडिफिकेशन एबसेंट रहेंगे। एग्जाम्पल पेंगविन, ठीक है, एंटार्क्टिका में हमें पता है होते हैं ये लोग। देन वी हैव रेटिटी और पैलियोग्निथा। ये लोग कौन है? ये लोग फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टिच, अगेन यदि फ्लाइटलेस हैं तो इनमें कुछ होगा क्या? देखो चाहे ऑस्टिच की बात कर लो या आप कीवी की बात कर लो, इमू की बात करो, कैसोवेरी की बात कर लो, इनमें होगा क्या? जो भी फ्लाइट मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा था, चाहे किल की बात कर लो, चाहे पाइगो स्टाइल की बात कर लो, नहीं, ये सब एबसेंट होंगे, है ना। सो एंड दे ऑल्सो हैव, देखो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर। जब उड़ना ही नहीं है तो क्या है फ्लाइट मॉडिफिकेशन, जरूरत नहीं है। सो डिटेल्स आई एम नॉट डूइंग बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड एंड द लार्जेस्ट सेल भी बात आए तो एग ऑफ ऑस्टिस होता है आंसर। ठीक है, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड कीवी। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू न्यूगनीथी। ये लोग कौन लोग हैं? दे आर द मॉडर्न एरा फ्लाइट बर्ड। इसमें जितना भी हमने पढ़ा पाइगो स्टाइल, कील, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होगी। ऑयल ग्लैंड, सीरिंग्स, यूनि ब्लैडर एबसेंट, कॉपुलेटरी ऑर्गन एबसेंट, है ना, ये सारी बातें। एंड ऑल द एग्जांपल्स विच ऑलरेडी वी हैव डन फॉर एनसीईआरटी, दैट इज कंपलसरी। इसमें से देख लो आप कुछ याद रख पाएँ तो। इन केस ऑफ पैरट ओनली अपर जॉ इज मूवेबल। आई होप यू नो दैट पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया। कोलंबा, यदि पिजन की बात करें, इट्स क्रॉप्स ग्लैंड सीक्रेट पिजन मिल्क। वी हैव डन इन डिटेल व्हाट इज दिस पिजन मिल्क। वल्चर इज द स्केवेंजर बर्ड्स। देन स्पैरो, इट शोज कमेंसलिज्म विथ मैन, खुद का फ़ायदा है बट मैन को कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं है। देन वी हैव एल्बेस्ट्रो, लार्जेस्ट विंग। हमिंग बर्ड और सन बर्ड, है ना, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। देन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शन में फ्लाई कर सकता है। देन वी हैव पिटोई और पटाऊ, इट द ओनली पॉइजनस बर्ड। एंड फास्टेस्ट बर्ड इज द स्विफ्ट स्पाइन टेल्ड। ठीक है जी, सो फ्रेंड्स दिस वॉज अबाउट द बर्ड्स मैमेलिया क्लास। विल डू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गो टू द यूट्यूब चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड।